हाय एवरीवन, कैसे हो बच्चों आप सब? 10th एंड 12th ग्रेडर्स, हाउ इज द जोश? होपफुली आप सभी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। आज हम बात करेंगे सीबीएसई की न्यू ओएमआर शीट के बारे में। तो ये रही आपकी लेटेस्ट ओएमआर शीट। सबसे पहली बात, हम लोग अक्सर सोचते थे, बच्चों को भी ये बोलते थे कि आपको अपनी डिटेल्स केयरफुली भरना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आपको नया मिलेगा इस बार, वो ये कि आपकी सारी डिटेल पहले से ऑटो फिल रहेंगी। आपकी सारी डिटेल पहले से ही उसमें फिल रहे हैं। आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसके राइट साइड में आपको एक नंबर दिखाई देगा जो कि आपके क्वेश्चन पेपर का कोड होगा, और उस कोड को आपको इन बॉक्सेस पे फिल करना है। इसे बहुत ही केयरफुली फिल करना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और इसे ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से ही हमें फिल करना है। ओएमआर शीट में आपको अपनी कोई भी डिटेल नहीं लिखनी है, लेकिन लास्ट में आपको एक बॉक्स दिखेगा, रेक्टेंगुलर बॉक्स, जिसमें आप सिर्फ ये लिखेंगे कि आपने जो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है, आपके द्वारा दी गई है, और वो सब सही है, आप इसे अप्रूव करते हो, ये सारी डिटेल आपकी सही। तो ये आप देख सकते हैं कि ये है हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स जिसके अंदर आपको लिखना है, आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट, एंड यहाँ पे आपको अपना साइन करना है, डोंट फॉरगेट टू साइन। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट की ओर, OMR शीट को भरना कैसे। पहली बात, आपको पेंसिल का यूज़ नहीं करना है और जेल पेन का यूज़ नहीं करना है। आपको ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करना है। अगर आप पेंसिल या किसी और कलर के पेन का यूज़ करते हैं तो आपकी आंसर शीट रिजेक्ट कर दी जाएगी। अब बात करते हैं सबसे बड़े बदलाव की। ये ओल्ड OMR शीट थी, आपने पहले भी देखा होगा कि क्वेश्चन के सामने आपको चार सर्कल्स दिखाई देते थे, लेकिन न्यू OMR शीट में आपको चार की जगह पांच सर्कल और एक बॉक्स दिखाई देगा। ये क्या है, चलिए इसे समझते हैं। तो एग्जैक्टली आपके OMR शीट का लुक कुछ इस तरह से है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 60 तक प्रिंट है, यानी कि 60 क्वेश्चन इसमें सॉल्व किए जा सकते हैं। आपके क्वेश्चन पेपर में 50 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि यहाँ तक की जो प्लेस है सिर्फ यहीं तक के क्वेश्चंस आप भर सकते हैं। OMR शीट में 1 से लेकर 60 तक के क्वेश्चंस के लिए ये सर्कल्स बने हुए होंगे, 1 से 60, लेकिन आपको क्वेश्चंस कितने करने हैं? मान लेते हैं कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ा, सॉल्व किया, और आपको लगा कि बी आंसर सही होना चाहिए, तो आपने इसे डार्क कर दिया है। आप श्योर हो कि बी आंसर है, तो आप ये जो बॉक्स है ना, आपको इस जगह पे लिख लेना है बी। अगर आपने यहाँ पे बी सर्कल किया है और यहाँ पे भी बी लिखा है, इसका मतलब आपका ये आंसर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद आते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है, आप श्योर नहीं है, पहले आपने क्या किया, ए को सर्कल कर दिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको लगता है कि नहीं, इसका आंसर तो बी होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, आप बी को भी सर्कल कर देंगे और आप श्योर हो चुके हैं कि बी ही आंसर है, तो इस बॉक्स में आपको बी लिख देना है, दैट्स ऑल। अब आप पूछोगे कि ये लास्ट के सर्कल क्यों दिए हैं? ये सर्कल हमें तब भरना है जिस क्वेश्चन को हम अटैम्प्ट नहीं कर रहे होंगे। ये दोनों क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट किए, इसलिए हम इसे नहीं छेड़ेंगे, हमें इसमें कुछ नहीं करना है। अब मान लीजिए मैंने थर्ड क्वेश्चन को पढ़ा, लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो नहीं बनने वाला है, आई वॉन्ट टू लीव दिस क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, इस थर्ड क्वेश्चन को हमें अटैम्प्ट नहीं करना है, तो इसलिए आप थर्ड क्वेश्चन के सामने वाला ये जो सर्कल है, ये आप यहाँ पे डार्क कर देंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप नहीं सॉल्व करना चाहते हैं, इस क्वेश्चन को आप छोड़ना चाहते हैं, तो आपने ये डार्क कर दिया, मतलब ये क्वेश्चन आप नहीं कर रहे हो। आप अगर ये सोचते हो कि चलो एक और क्वेश्चन कर देते हैं, शायद मार्क्स मिल जाएं, तो ऐसा नहीं है, उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और अब ध्यान से सुनिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने किसी भी क्वेश्चन में सर्कल तो कर दिया, मान लीजिए आपको लगता है इस फोर्थ क्वेश्चन में कि डी आंसर सही होना चाहिए, डी आंसर को आपने टिक कर दिया, लेकिन आप जल्दबाजी में रिस्पॉन्स लिखना भूल गए, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपका ये क्वेश्चन अटैम्प्ट क्वेश्चन रिजेक्ट हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, आपको सर्कल करने के साथ साथ रिस्पॉन्स लिखना बहुत ज़रूरी है। अब ये भी हो सकता है कि आपने क्वेश्चन को पढ़ा, समझा, सॉल्व किया, रिस्पॉन्स लिख दिया, लेकिन आप सर्कल करना भूल गए,
आपने यहाँ पे तो लिख दिया है आंसर, लेकिन आप सर्कल करना भूल गए हैं। अगर आप सर्कल करना भूल जाते हैं बाय मिस्टेक, तो इस क्वेश्चन को सही माना जाएगा और ये एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप इस बॉक्स को खाली छोड़ देते हो, देन दैट क्वेश्चन विल बी कैंसिल्ड। अब सपोज आपने किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया और सर्कल कर लिया और यहाँ पे भी लिख दिया कि ये ए है, लेकिन आपने जल्दबाजी में इसको भी सर्कल कर लिया, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको इसे तब ही सर्कल करना है जब आप किसी क्वेश्चन को छोड़ने वाले हो। तो मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगी कि ये जो लास्ट के सर्कल है, ये आप बाद के लिए रख लीजिए, पहली आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, पढ़िए, सॉल्व कीजिए और इनकी तरफ ध्यान दीजिए। आप सर्कल के साथ इसे फिल करना मत भूलिए, लेकिन अगर आप इस सर्कल को भी फिल कर देते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो क्या समझ में आया कि इस सर्कल को आपको तभी भरना है जब आप कोई क्वेश्चन छोड़ने वाले होंगे। बीच में अगर कोई क्वेश्चन छोड़ने वाले हो, जैसे फर्स्ट सेकंड किया थर्ड नहीं किया, तो आप सर्कल कर सकते हो, क्योंकि बीच में क्वेश्चन आप लीव कर रहे हो। तो होपफुली आपको ये नए चेंजेस समझ में आ गए होंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपको अपनी डिटेल फिल नहीं करनी है और भूल सुधारने का भी यहाँ पे आपको मौका है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि किस कलर के पेन का यूज़ नहीं करना है। रेड कलर नहीं करना है, ग्रीन कलर नहीं करना है, पेंसिल का यूज़ नहीं करना है, जेल पेन का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करना है। OMR शीट के बारे में अब कोई डाउट नहीं रह गया होगा। ऑल द बेस्ट सभी को, पढ़ते रहिए, कीप स्टडिंग।